बाढ़ की त्रासदी से बचने के लिए मधुबनी से बहने वाली कमला नदी के तट पर हुई कमला आरती। गंगा आरती की तरह इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र जयनगर कमला तट पर गंगा दशहरे के मौके पर कमला आरती का हुआ आगाज। उत्तर बिहार में हर एक साल बरसात के मौसम में बाढ़ के कहर देखने को मिलता रहता है। इतना ही नहीं बल्कि उसमें कई लोग मौत की नींद भी सो जाते हैं और कईयों की आशियाने को भी तहस नहस कर दिया जाता है। इसी को देखते हुए समाज के कुछ लोगों ने कमला महारानी से गुहार लगाई कि इस बार बाढ़ के खौफनाक दृश्य नहीं दिखाएं और किसी भी आम लोग और परिवारों को अपनी आगोश में नहीं ले। इसलिए देर शाम सैकड़ों की संख्या में कमला महारानी की आरती की गई। मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल में स्थित कमला नदी में संध्या आरती का आयोजन किया गया। जब मां कमला की आरती हो रही थी तो उस समय पूरे जयनगर में भक्तिमय का माहौल था, लेकिन जिस तरह से वाराणसी में मां गंगा की आरती होती है उसी तरह से अब कमला महारानी की भी आरती करना शुरू कर दिया गया है। यहां हर सप्ताहों में ये आयोजन किया जाना है। आपको बता दें कि बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने मां कमला की साप्ताहिक आरती की शुरुआत की, जिससे इस बार मां कमला बाढ़ को अपने नियंत्रण में रख सकें और आम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। इसलिए अब इस सप्ताह में मां कमला की आरती की जाएगी। वहीं कमेटी के संयोजक अरविंद तिवारी ने कहा कि ये आरती की शुरुआत नहीं बल्कि लोगों को ये प्रण लिया है कि जब तक सूरज चांद रहेगा अब मां कमला की आरती होती रहेगी। आपको बता दें कि 2019 में कमला नदी में आई भीषण बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए थे। द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज डेस्क से इकरा आजमी के साथ मधुबनी संवाददाता राजीव झा की रिपोर्ट। यहाँ का मंत्र है कमला बिबला मिथिला धाम, अवध है सरयू सीताराम, अवध है हरिद्वार और बनारस में यहाँ के नर नारी आरती देख चुके थे। आज वर्षों से यहाँ के लोग को दबाव था कि आरती हो, आज कर करते करते संत महात्मा के आशीर्वाद से समाज के सहयोग से ये आरती का आयोजन किया गया और किसी एक आदमी को नहीं पूरे जयनगर के आम माँ बहन के द्वारा ये आरती का सबसे बड़ी बात है कि संकल्प लिया गया आज कि प्रत्येक जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक माँ कमला के आरती जयनगर कमला पुल पश्चिम तट पर्णकुटी के पास है अनवरत साप्ताहिक सोमवार के सोमवार आरती चलेगा। ठीक आज से 33 सप्ताह के बाद जब माँ कमला का जन्म माघी पूर्णिमा के अवसर पर होगा तो कमला माँ का दिन सोमवार और शुक्र है और 33 सप्ताह के बाद इसको सोमवार और शुक्र किया जाएगा। मित्रों, आप मीडिया वाले हो, यहाँ के नर नारी, यहाँ के भाई बंधु सभी जो सनातन को मानने वाले हैं सारे लोगों ने अपनी उद्गारता। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे YouTube चैनल द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को, जिससे हमारी खबरें आप तक पहुंच सकें।